अब तक हमने पांच पॉइंट्स देखे हैं कुरान और हदीस से दुनिया में कामयाबी के मुतालिक। सबसे पहले इल्म हासिल करना, नंबर दो अल्लाह पर भरोसा करना लेकिन साथ साथ में ज़रिए भी इख्तियार करना, नंबर तीन अवेलेबल रिसोर्सेज जो मुहैया है ज़रिए उन्हें इस्तेमाल करना, नंबर चार फैसला लेने में इत्मीनान से फैसला लेना, सोच समझ के लेना, मशवरा करना, इस्तखारा करना, फिर कदम आगे बढ़ाना, नंबर पाँच जब फैसला ले लिए तो उस बात में जम जाना, उसमें मुदावमत इख्तियार करना, जम के काम करना और मायूसी से बचना और गिवअप करने से बचना और अगर कहने से बचना अगर कुछ उल्टा हो जाए तो, क्योंकि अगर से शैतान का दरवाज़ा खुल जाता है। आज हम देखते हैं नॉन मुस्लिम्स जिन्हें बात समझ में आ जाती है, आज वो लोग बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो उन्होंने अपने अलग अलग कोड सेटअप किए कि भाई फ़लाँ स्टैंडर्ड है, फ़लाँ ये कोड है, फ़लाँ ये चीज़ सेटिस्फाई जो करता है उसको फलिफिकेशन फ़लाँ मिलेगी, वो लोगों ने ऑनेस्टी इंश्योर किया, सच्चाई को इंश्योर किया और उन्हें इंटरनेशनल तौर पर मकबूलियत और एक्सेप्टेंस मिली। आज हम देखते हैं कि जापान का क्यों नाम हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, क्यों कोई चीज़ आगे बढ़ी, तो इसके अंदर हम देखते हैं बहुत बड़ा फैक्टर था ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी, ये चीज़ से बातें आगे बढ़ती हैं। सच्चाई, भाई अगर आप डिफेक्टिव माल भी बेच रहे हो बेच सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बता के बेचो कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ। उसके अंदर चीटिंग वाला काम करेंगे तो नुकसान होगा, हाँ वक्ती तौर पर कोई फ़ायदा उठाए हो सकता है, एक बार किसी को धोखा तुम दे सकते हो, बार बार धोखा नहीं दे सकते। गुडविल नहीं बनता है उस शख्स का जो इस तरह से चीटिंग और फ्रॉड वाले तरीकों से काम करे, तो इंसान बार बार थोड़ी धोखा खाएगा। तो हम ये देखते हैं जो लोग ऑनेस्टली काम करते हैं उनका गुडविल बनता है, उनका नाम बनता है मार्केट में, कस्टमर्स उनके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं। ये चीज़ कैसे हासिल होती है? ऑनेस्टी से होती है। आज नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में ये चीज़ लोगों को समझ में आने लगी, हम मुस्लिम्स क्यों नहीं समझ सकते, जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और हमारा ईमान है। हम देखते हैं मुस्लिम ताजरों ने बिजनेस के अंदर बड़ा काम किया, साथ साथ में इस्लाम भी लेकर गए, क्योंकि इतने ईमानदार होते थे ना लोग, उनको देखकर उनके सिर्फ बिजनेस से इंप्रेस नहीं होते थे, उनके अखलाक से, उनके दीन से, उनकी तालीमात से भी इंप्रेस होते थे, इस्लाम भी फैलता था। मलेशिया में, इंडोनेशिया में कौन गया था? कोई मुस्लिम आर्मी गई थी? नहीं, ताजिर गए थे मुस्लिम, बिजनेसमैन। उनके अखलाक को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया और यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अत्ताजिरु सादिकुल अमीन मा नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। एक ताजिर जो सच्चा और अमानतदार होता है वो नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, सच्चों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। अल्लाहु अकबर, क्या किया भाई साहब आपने, मैं तो ताजिर था लेकिन सच्चा ताजिर था। तो यह है आखिरत का बदला और दुनिया का बदला है कि वो आदमी का गुडविल बनता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, लोग उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लॉन्ग रन में फायदा होता है। ये हमारी सोच की कमी है कि हम वो शॉर्ट रन वाले जो ट्रीटिंग वाले मेथड्स हैं उनको अच्छा समझ बैठे हैं। बिल्कुल मेरे भाइयों, चाहे कितने भी लोग क्यों ना कर ले, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी चीटिंग और फ्रॉड का तरीका क्यों ना इख्तियार कर ले, हमारे पास अपना स्टैंडर्ड है जो हमें अल्लाह की तरफ से मिला है। हम अल्लाह की दी हुई बात को मानते हैं, हम इंसानों के ट्रेंड्स और तरीकों को और उसको नहीं मानते अगर वो अल्लाह के तरीके के खिलाफ जाए, अल्लाह की बात के खिलाफ जाए। पॉइंट नंबर सात, सब्र से काम करना, पेशेंस से काम करना, सेल्फ कंट्रोल के साथ काम करना। हम देखते हैं सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैस शदीद बिसुरह, पहलवान वो नहीं है जिसके पास ताकत है, वलाकिन शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गदब, लेकिन पहलवान मजबूत आदमी वो शख्स है जो गुस्से के वक्त पर भी अपने ऊपर काबू नहीं छोड़ता, कंट्रोल नहीं छोड़ता, मजबूत आदमी है वो। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितने सारे दुनिया के काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर काश लोगों के पास थोड़ा सा सब्र होता, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल होता, थोड़ा सा अफू और दरगुजर और माफ़ करने का मादा होता तो काम हो जाता था। कितने सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से अटक जाते हैं क्योंकि आदमी के अंदर सब्र नहीं होता है। तो इस्लाम ने यह सिखाया है कि एक मुस्लिम काम करेगा तो सब्र के साथ काम करेगा, अब वो गुस्से में नहीं आएगा। चाहे कस्टमर कभी कभार मूड ख़राब हो कुछ बोल दे, चाहे बॉस का मूड ख़राब हो कुछ बोल दे, चाहे कुछ रॉन्ग हो जाए, कुछ उल्टा हो जाए, कुछ करने गए कुछ और हो गया, लेकिन पेशेंस इज द की, सब्र से काम करेंगे तो क्या होगा, रास्ते वहाँ से भी खुल जाएंगे जहाँ से हमने सोचे नहीं हैं। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह के ऊपर डिपेंड होकर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपनी मायूसी पर भी कंट्रोल रखें। हार नहीं मानना है, पेशेंस से काम करना है, सब्र से काम करना है। सब्र से हम ये भी बात कह रहे हैं कि सारी इस्लाम की जो अच्छी चीज़ें हैं अखलाकी तौर पर है ना, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा अखलाक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी काम कर रहे हो,
دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مسلم جو اللہ کے لیے حاصل کرے اور ایک شخص جو دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کرے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلم ہے جو اللہ کے لیے اچھا بن رہا ہے، اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے، اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، کیوں؟ اسے ایکسپیکٹیشن ہے تو اللہ سے ہے، اللہ اسے دے گا بدلہ، لوگوں سے نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر کے بھی کیا ہوتا ہے، مایوسی ہی مل جاتی ہے۔ اگر لوگوں سے امیدیں لگاؤ میرے بھائیوں میری بہنیں، تو لوگ تو کیسے ہیں، اللہ کے ناشکر ہیں، اللہ کے کروڑوں نعمتوں کو لے کر بولتے ہیں، بولتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے نا، بولتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اعوذ باللہ، اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں ہاتھ کس نے بنا کے دیے، تم نے بنائے، یہ آنکھیں کس نے دی ہے، تم نے لیے، کروڑوں نعمتیں دی، اور پھر بولتے ہیں اللہ نے کیا دیا، کتنا ناشکرا ہوتا ہے نا انسان۔ اب وہ انسان سے ہم اپنی امیدیں لگائے اور ہم اس سے ایکسپیکٹیشن کریں تو کہاں مایوسی ہی ہوگی، تو ایکسپیکٹ کریں گے اللہ سے۔ اب ایک شخص ہے جو دنیا سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، ایک شخص ہے جو پیشنس رکھا ہے لیکن صرف پیسے کے لیے، اس کے اندر اخلاق ہے لیکن کس لیے ہے، کسٹمر جب تک ہے تب تک، جب فائدہ نہیں دکھا تو اس کا ریئل کلر نکل آئے گا، اس کا ریئل روپ باہر نکل آئے گا۔ لیکن ایک مسلم ہے اللہ کے لیے اچھا بن رہا ہے، اچھا ہے وہ اللہ کے لیے، اچھائی کے راستے کو لیا اللہ کے لیے، کچھ نہیں چاہیے دنیا سے، اللہ سے ملے گا، اللہ سے امید کرتا ہے، وہ دنیا کا فائدہ بونس میں مل جاتا ہے اس کو، اللہ کے لیے اچھے رہیں گے دنیا میں ایسے ہی مل جائے گا بھلائی۔ اور میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ چاہے جو کوئی کام کر رہے ہو، چاہے اپنی اسٹڈیز کر رہے ہو، چاہے اپنے کام کے اندر کوئی پروفیشن میں ہو، کوئی بزنس میں ہو، جو کام کر رہے ہو، ہیو سیلف کنٹرول اللہ کے لیے، اللہ سے امید کرتے ہوئے غصے کو کنٹرول کریں گے تاکہ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ کرے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم ہمیں چاہیے، تو ہم انسانوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں اللہ سے امید کرتے ہوئے، اور انسانوں سے آپ کو بھلا بونس میں ملے گا، امید ان سے مت لگائیے۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسلم کو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا چاہیے، اپنے اندر صبر ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، سب چیز اللہ سے امید کرتے ہوئے۔ صرف سینئرس کے ساتھ اچھے نہیں، جونیئرس کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ نان مسلمس کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ ہاں ہاں دنیا کے اندر اچھے سے کر رہنا چاہیے، جونیئرس کے ساتھ بھی، آج جا کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے سے بتا دیا کہ ہر انسان کا رسپیکٹ کرو، ہر انسان قیمتی ہوتا ہے، ہر انسان ویلیوبل ہوتا ہے، آج جا کے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہے، لیکن اسلام نے بات 1400 سال پہلے سے سمجھا دی۔ لیکن یہ ہمارے ایمان اور ہمارے توکل اور ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ آئیے واپس، اسلام کے اندر ہر چیز، دنیا آخرت دونوں کی خیر کا ساز و سامان ہمیں مل رہا ہے۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں پر ہمارے لیے پوائنٹ ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، خصوصی طور پہ صبر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کا اچھا مظاہرہ پیش کرنا، یہ ہے پوائنٹ نمبر 7۔ پوائنٹ نمبر آٹھ یہ ہے کہ صرف اچھے اخلاق سے بھی کام نہیں بنتا، کئی بار اب اس سے ہائر چیز چاہیے، وہ ہے ٹاپ لیول کا اخلاق۔ اور پوائنٹ نمبر 8 میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اپنی چیز، اپنی کیپیسٹی سے آگے بڑھ کے کچھ کام کرنا، کیا مطلب؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34، اس پر غور کری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح اور غلط، اچھا اور برا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کو جواب دو، اس کو دفع کرو، اس کو ریپیل کرو، اس کا جواب دو، ہی احسن کچھ اچھا کر کے، بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بن جائیں گے جیسے قریبی دوست۔ اللہ اکبر، میرے بھائی میری بہنیں، کتنا بڑا وعدہ ہے، یہ دنیا کا وعدہ ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً آخرت گول ہے، لیکن دنیا بونس میں مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں ملے گا سوائے ان کو جن کے لیے بہت بڑا خیر انہیں ملا۔ تو پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بری چیز کا جواب دیں ہم اچھائی سے۔ سامنے والا کوئی بھی ہو، کو ورکر ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے، اب کبھی کبھار کو ورکرز کے بیچ میں جیلسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہیں، وہ غلط کیا نا، میں اچھا کروں گا اس کے ساتھ، میں اس کے ساتھ اسمائل کر کے اچھے سے ملوں گا، خلوص سے ملوں گا، میں اسے ہدیہ دوں گا، گفٹ دوں گا، چائے پلاؤں گا، میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، میں اس کی برائی کا جواب دوں گا اچھائی کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس سے امید نہیں، اللہ سے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جن کے ساتھ ہو، جو لوگ یہ کریں گے، تو وہ جس کے ساتھ میں دشمنی بھی ہے بن جائیں گے دوست۔
दुश्मन बन जाएंगे दोस्त। कैसे? अगर बुरी चीज़ का जवाब अच्छे चीज़ से देना सीख जाएंगे और कर पाओगे तो जाकर ये भलाई हमें मिलेगी। तो हमारा पॉइंट नंबर 8 यह है कि नॉर्मल अखलाक से हायर अखलाक तक कदम आगे बढ़ाना। पॉइंट नंबर 7 था नॉर्मल अखलाक हासिल करना, अखलाक के साथ पेश आना, गुस्से को कंट्रोल करना, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उससे अबाव चीज़ है कोई बुरा करे और हम उसका अच्छा करके जवाब दें, ये उससे हायर लेवल की चीज़ है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको दावत देता हूँ कि ये हायर लेवल की चीज़ इख्तियार करें। अगर आपने नोटिस किया हो, पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 जो आए हैं अभी, ये तीनों पॉइंट ये वो पॉइंट्स हैं जो फैसला लेने के बाद जब कोई इंसान कुछ कर रहा है तो करने में क्या तरीक़ेकार रहेगा। पॉइंट नंबर 1 से 5 तक फैसला लेने तक हम पहुँचे थे, लेकिन पॉइंट नंबर 6 से 8 में फैसला लेने के बाद क्या, मैं एक बार रिविजन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 था इल्म हासिल करो, सब नफ़े वाला इल्म हमारा इल्म है। नंबर 2 तवक्कुल अल्लाह पर करो और साथ में ज़रिए भी इख्तियार करो। नंबर 3 अवेलेबल रिसोर्स, जो ज़रिए मुहैया है उन्हें इस्तेमाल करो, उनको इस्तेमाल करके आगे बढ़ो, उनको यूज़ करो। पॉइंट नंबर 4 फैसला लेने में जल्दबाजी से फैसला ना लो, इत्मीनान से लो, मशवरा करो, इस्तखारा करो और फिर कदम आगे बढ़ाओ। पॉइंट नंबर 5 कदम आगे बढ़ा लिए तो बार बार चेंज मत करो, बल्कि साबित कदम रहो, स्टेडफास्ट रहो, अल्लाह को ये चीज़ पसंद है, जम के काम करो जो कर रहे हो। और कुछ उल्टा हो जाए तो अगर मत कहो, अगर से शैतान के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। अब हमने फैसला लेकर जमे हुए हैं, अब 6, 7, 8 जो पॉइंट है वो है कि सच्चाई से ही काम करेंगे। हम मुसलमानों का यही रूल है, सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे। क्या आपको पता है दुनिया में ऐसे लोगों की आज कदर है जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं? आज जो दुनिया के अंदर झूठ फरेब चीटिंग फ्रॉड हो रहा है, इसके अंदर ईमानदार लोगों की दुनिया को कदर है। और मुसलमान क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि देखो हमें फलां चीज़ करने नहीं मिलती, हमें नमाज पढ़ने नहीं मिल रहा है, हमें हमारा दाढ़ी रखने नहीं मिल रही है। मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, अगर ईमानदारी और सच्चाई से काम कर रहे हो ना तो किसी को आपकी नमाज और दाढ़ी से प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि लोग बोलेंगे रखो दाढ़ी और नमाज पढ़ो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे आदमी को नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि तुम एक ईमानदार आदमी हो। लेकिन हम अपनी कदर तो पैदा करें, हम अपनी कदर नहीं पैदा करते हैं तो दुनिया में भी हमारी कदर नहीं है। अगर हम अल्लाह के लिए अच्छाई के रास्ते को इख्तियार करेंगे तो दुनिया वाले भी कदर करेंगे, क्योंकि दुनिया में आज चोर उचक्कों की कोई कमी नहीं है, सच्चे और ईमानदार लोगों की कमी है। तो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6 सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे, पॉइंट नंबर 7 अखलाक के साथ सब्र के साथ कंट्रोल करेंगे, गुस्से को कंट्रोल करेंगे, अल्लाह के लिए माफ़ करेंगे, दरगुजर करेंगे। मजबूत आदमी कौन है? गुस्से के टाइम पर भी अपने आप पर कंट्रोल ना छोड़े। और पॉइंट नंबर 8 ऊंचे अखलाक, यानी बुरी चीज़ का जवाब देना कुछ अच्छा करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपका इस्तकबाल है वक्फे के बाद। पॉइंट नंबर 9, अब 1 से लेकर 8 पॉइंट तक सब ठीक से कर रहे हैं, फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई, करने कुछ गए थे कुछ और ही हो गया, कुछ उल्टा हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ लॉस हो गया, कुछ कदम पीछे आ गए, अब क्या? अब एक हदीस को याद रखिए, सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युल्दगुल मोमिन फी जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन एक बिल में 2 बार नहीं डसा जाता। एक बिल में डसे गए ना, फिर से उसी बिल में मत डसे जाना। एक बिल में मोमिन 2 बार नहीं डसा जाता, एक ही गलती में जाकर 2 बार पड़ गया, मोमिन ऐसा नहीं करता है। मोमिन कैसा होता है? एक बार मिस्टेक हो सकती है इंसान से, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, गलती हो गई, दूसरी बार मत करना। पता चला अपनी गलतियों से सीखना, क्या गलती किए वो गलती से आदमी सीखे और आगे ज़िंदगी में वो गलती रिपीट ना करे। अगर हमें ये चीज़ सीख जाएँ तो मेरे भाई मेरी बहनें ज़िंदगी सबसे बड़ी ट्यूशन क्लास देगी। ज़िंदगी के लेसन्स जो होते हैं ना, वो सीख सीख कर क्या होता है कि इंसान कई गलतियों को सुधारते सीखते सीखते आखिर में तजुर्बेकार बनता है, ज़िंदगी का तजुर्बा। और ज़िंदगी का तजुर्बा इसी वजह से बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक बार बिल में डसे गए, फिर से उसी बिल में फिर से डसे जाएंगे, फिर तीसरी बार डसे जाएंगे, फिर चौथी बार डसे जाएंगे, बार बार वही गलती फिर से करेंगे। मुस्लिम ऐसा नहीं करता। मुस्लिम की खूबी ये होती है कि वो एक बिल में 2 बार नहीं डसा जाता, मतलब अपनी गलतियों से सीखना। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कभी कभार आदमी इल्म भी हासिल किया, ज़रिए इख्तियार किया, तवक्कुल अल्लाह पे किया, नंबर 3 अवेलेबल रिसोर्सेज यूज़ किया, सोच समझ के इस्तखारा मशवरा करके फ़ैसला किया, नंबर 5 ये तमाम चीज़ें कर रहा है, नंबर 5 जम के काम कर रहा है, अगर से बचा हुआ है, नंबर 6 सच्चाई से, नंबर 7 अखलाक से सब्र से, नंबर 8 बुरी चीज़ का जवाब दे रहा अच्छा करके। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है और अल्लाह बेहतर जानता है,
कभी कभार ऐसा होता है ना, एक छोटी सी गलती से एक प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो प्रॉब्लम से आदमी इतना बड़ा लेसन सीख गया कि ज़िंदगी में आगे होने वाला एक बड़ा नुकसान से बच गया हो। कभी कभार एक छोटी चीज़ बड़े प्रॉब्लम से बचा लेती है। मिसाल के तौर पर सर दर्द आ गया, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? अब कोई कहेगा बुरी चीज़ है, लेकिन वो सर दर्द की चेकिंग किए तो मालूम पड़ा, अरे बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ये सर दर्द ने बता दिया, वो प्रॉब्लम को वक्त पर रोक दिए तो वो प्रॉब्लम से बच गए। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितनी बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आदमी समझता है कि ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। एक आदमी को जॉब से निकाल दिया गया, अब वो बोल रहा है मेरे साथ ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो आगे आके उसे पता चलता है कि वो तो अच्छा हुआ, क्योंकि उससे बड़ा जॉब उसको अल्लाह ताला देने वाला था। तो पता चला कि कभी कभार कोई गलती हो जाती हमसे, इंसान है ना, गलतियाँ होती है, लेकिन लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना, ये एक बहुत अहम उसूल और कायदा है अपनी ज़िंदगी का, जो हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा रेडी रखना चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें, लेसन्स फ्रॉम लाइफ हासिल करें, उन्हें भूलें ना। एक बिल में दो बार मोमिन नहीं डसाया आता है, याद रखेंगे इंशाल्लाह इस बात को। तो हमने अब तक 9 पॉइंट्स देखे, अब कोई इंसान सब के सब 9 के 9 कर रहा है, तो एक आखिरी 10वीं बात भी उसे बतानी है, और वो क्या है? वो ये है कि याद रखो मेरे भाई, याद रखो मेरी बहन, के एक बहुत बड़ी मालदारी और दौलत से कभी महरूम अपने आप को मत रखना, और वो दौलत है दिल की दौलत। हाँ, मालदारी दिल में होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी दिल में होती है, गरीबी भी दिल में होती है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम मुस्लिम ने जमा किया है, قد افلح من اسلم, वो कामयाब हो गया। दुनिया में कामयाबी हमारा टॉपिक है ना, तो ये हदीस तो आनी है। قد افلح من اسلم, वो कामयाब हो गया जो इस्लाम ले आया। वो रुजी का कफाफन, सफिशियंट रिस्क मिल गया, सफिशियंट काफ़ी रिस्क मिल गया। वक़न्नाहुल्लाहु बिमाताहु, अल्लाह ने जो उसे दिया उसके ताल्लुक से उसके दिल में कनात आ गई, कंटेंटमेंट आ गया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास बहुत कनात। ये बहुत बड़ी मालदारी है। कितने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत है, लेकिन उन्हें यही एहसास है, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, यही लगा हुआ है उनके साथ ज़िंदगी में। बेचारे गरीब है ना वो, फ़क्रु फिल कल्ब, गरीबी दिल में होती है। तो ये मिसाल है प्रैक्टिकल, तो कनात उनके अंदर नहीं होता है, बहुत बड़ी गरीबी है। तो अपने आप को ऐसे गरीब मत रखो, ऐसे गरीब होके जीना है या अमीर होके जीना है? तो मैं आप सबको कहता हूँ, गरीब होके मत जियो, गरीबी दिल में होती है। मालदारी कहाँ होती है? दिल में होती है। जो है अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आदम की औलाद के पास अगर वादी भर के सोना हो तो और एक वादी की तमन्ना करेगा, और एक वादी हो तो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा, और कोई चीज़ नहीं भरने वाली है आदम की औलाद के पेट को सिवाय मिट्टी के। मिट्टी, मिट्टी कैसे? वो मिट्टी में जाएगा ना कब्र में, तो ही पेट भरने वाला है उसको। तो ये अपना हाल ऐसा ना बनाए, क्योंकि फाइनली छोड़ के जाएंगे। जो हम फर्स्ट पॉइंट पे शुरू किए थे वहीं पे लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। जो इंट्रोडक्शन में बात आई थी ना, असल कामयाबी कौन सी है? असल कामयाबी जन्नत है भाई। जन्नत तैयार है, अल्लाह ताला ने रेडी रखी है। किसके लिए? तकवे वालों के लिए। दुनिया जरिए के तौर पर है, गोल और मकसद नहीं है। मकसद तो जन्नत है, कामयाबी जन्नत में है। एक आखिरी हदीस पढ़कर इस दर्स को ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन दुनिया मलून व मलून मा फीहा। दर हकीकत ये दुनिया पर अल्लाह की लानत है, इसमें जो कुछ है सब कुछ पर अल्लाह की लानत है। हमारा मौजू क्या है? दुनिया की कामयाबी ना। चलिए, ये हदीस तो आनी ही थी, कंक्लूजन में आ रही है। ये दुनिया पर अल्लाह की लानत है, जो कुछ है सब कुछ इसमें है, सब कुछ पर अल्लाह की लानत है, इल्ला सिवाय ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की याद। वमा वलाहु, याद से जुड़ी हुई चीज़ें। व आलिमुन औ मुतालिम, आलिम या तालिब इल्म, चार चीज़ बची हुई है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जहन में शायद सवाल आया हो कि अभी तक तो दुनिया की कामयाबी का दर्स चल रहा था, ये लास्ट में क्या बात आ रही है कि दुनिया पर लानत है, जो कुछ उसमें है सब कुछ पर लानत है, तो दुनिया की कामयाबी क्यों चाहिए? वाज़े रहे ये बात, इस्लाम ने गोश्त खाने की इजाज़त दी है, लेकिन सब गोश्त नहीं, खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकते हैं, और हलाल तरीके से ज़बह किया हुआ हो,
और बिस्मिल्लाह कहकर खाया गया हो। तो पता चला कि जनरल एक रूल है, गोश अलाउड है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो है ना। उसी तरह दुनिया में रहना इजाज़त है, दुनिया हासिल करने की इजाज़त है, हलाल तरीके से सही तरीके से हासिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, बहुत अच्छी चीज़। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, और वो ये है कि हकीकत ये है, रियलिटी ये है कि दुनिया पर अल्लाह की लानत है, जो कुछ इसमें है सब कुछ पर अल्लाह की लानत है, सिवाय अल्लाह की याद और याद से जुड़ी हुई चीज़ें। अब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो काम करते हो ना आप, उसे अल्लाह की याद से जोड़ के रखो। आप जॉब करते हैं, अल्लाह को भूल के नहीं करना। मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और ये ग़ुलाम के बारे में कहा, जो सैलरीड स्टाफ है वो तो खुद इससे आगे की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो ग़ुलाम जो अपने रब का अच्छा बंदा है और अपने मालिक का अच्छा ग़ुलाम है, उसे डबल इनाम मिलेगा। इस्लाम ने ईमानदारी सिखाई है इसलिए। उसी तरह जो बिज़नेसमैन बिज़नेस करता है, अल्लाह को भूल के बिज़नेस नहीं करेगा, अभी अल्लाह को याद रख के करेगा तो हलाल तरीके से करेगा, जायज़ बिज़नेस करेगा, हराम बिज़नेस से बचेगा, अल्लाह के कानूनों के तहत करेगा, सूदी गलत हराम काम नहीं करेगा। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये क्या है? अल्लाह को याद रखना। अब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, बोले मैं कैसे? हाँ, आप भी, आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, अल्लाह को भूल के नहीं पढ़ना। फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह ने कैसे बनाया। प्लांट्स की पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने कैसे बनाया। दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने कैसे बनाया। मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने कैसे बनाया। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, क़यामत के दिन का अकाउंट्स कैसा होगा। अल्लाह को भूल के नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह को भूल जाएंगे तो दुनिया में जो लानत है ना, और लानत जो दुनिया पर है, उसका उतना हिस्सा मिल जाएगा, हमारे ऊपर उतना हिस्सा आ जाएगा, हम उसके मुस्तहिक बन जाएंगे, वो नहीं बनना है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुनिया में रहो, करो सब कुछ, लेकिन अल्लाह को भूल के नहीं करना। जायज़ दायरे में रहेंगे और अल्लाह को याद रख के रहेंगे तो जो चीज़ करेंगे तो हम इस लानत से बचे हुए रहेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर आलिम और तालिबे इल्म इसलिए बताया क्योंकि कोई आलिम और तालिबे इल्म जो इल्म के अंदर इखलास के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो ये लानत से बचा हुआ होता है। खुसूसी तौर पर अल्लाह की याद उसमें बहुत ज़्यादा आती है, तो ये भी चीज़ हम करें। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनें, आप सबके सामने ये दावत रखी गई है कि आप जो काम कर रहे हो हलाल दायरे में रहकर करिए, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में जीना है हम सबको, लेकिन उसके अंदर हम इस्लाम के कानूनों के तहत रहकर जिएंगे तो हमें दुनिया की कामयाबी भी मिलेगी, आखिरत की कामयाबी भी मिलेगी। और यकीनन हम सबका गोल, हम सबका मकसद आखिरत होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी से नवाजे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया का खैर दे दे, आखिरत का खैर दे दे, और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।